फैक्ट चेकर जुबेर को लेकर बड़ी खबर। जुबेर को मिलता था विदेश से चंदा। विदेशों से मिलने वाले चंदे के दावे का क्या है सच? सिंगापुर, दुबई, अमेरिका, कहां कहां से जुड़े फंड के तार? फैक्ट चेकर जुबेर की गिरफ्तारी सही या फिर नहीं, इसको लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी है। मगर इस बहस के बीच जांच और जांच के दायरे में जुबेर के अगली पिछली सारी फाइलें खुल रही हैं और अब जुबेर को लेकर बड़े बड़े खुलासे के दावे तक किए जा रहे हैं। जी, धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपी फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबेर को विदेश से फंड मिलने के खुलासे का दावा किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने जुबेर की बैंक डिटेल की जानकारी परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी को दी है। साथ ही एफआईआर की कॉपी भी ईडी को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि ये डिटेल कॉपी 29 जून को सौंपी गई थी। पुलिस ने प्रवादा फाउंडेशन, आईसीआईसीआई बैंक की डिटेल्स ईडी को सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक इस अकाउंट में पाकिस्तान और सऊदी से रकम आने तक की खबर है। तो क्या जुबेर की गिरफ्तारी और फिर जांच की दशा और दिशा संकेत दे रही है कि जुबेर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, या फिर कहानी कुछ और है? सवाल कई मुंह भाए खड़े हैं। वैसे दावा ये भी किया जा रहा है कि रजोर पे पेमेंट गेटवे से मिले जवाबों के एनालिसिस से ये पता चला है कि अकाउंट में कई लेन देन की डिटेल्स हैं, जिसमें मोबाइल फोन नंबर भारत से बाहर का है या फिर आईपी एड्रेस विदेशों और विदेशी शहरों का है। इसमें बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, मनामा, उत्तरी हॉलैंड, सिंगापुर, विक्टोरिया, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, रियाद क्षेत्र, शारजहां, स्टॉकहोम, अबू धाबी, वॉशिंगटन, कांसस, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, टेक्साइस, दुबई, उसीमा, स्कॉटलैंड शामिल है। इन देशों और शहरों से प्रवादा मीडिया को कुल मिलाकर लगभग 2,31,933 रुपए के फंड मिले हैं। वैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबेर को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 27 जून को सेक्शन 153 ए और 295 ए के तहत गिरफ्तार किया था। तब से ही एक धड़ा इस गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहा था, मगर दिल्ली पुलिस की मांग पर अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद जुबेर को पुलिस हिरासत में भेज दिया था। वहीं जांच में एक और बात सामने आई है और वो ये कि सोशल मीडिया एनालिसिस के दौरान ये देखा गया कि मोहम्मद जुबेर की गिरफ्तारी के बाद जिन ट्विटर हैंडल से जुबेर का समर्थन किया गया था, उसमें से ज्यादातर मध्य पूर्वी देश जैसे कि संयुक्त अरब, बहरीन, कुवैत और पाकिस्तान जैसे देश इसमें शामिल थे। दिल्ली पुलिस का रुख साफ है कि जुबेर को लेकर जांच और भी तेज होगी और इस जांच में कौन कौन से खुलासे और दावे किए जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जुबेर की गिरफ्तारी का सच क्या है, इसे पूरा देश जानना चाहता है कि कौन सच्चा और कौन झूठा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।